दोस्तों ये है सीसीटीवी कोर्स का क्लास 9 हमारा। 8 क्लास अभी तक हमने कंप्लीट कर दिया है, ये 9 क्लास है हमारा। तो चलिए सबसे पहले ये देखेंगे कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा है और आज के क्लास में क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। और उससे पहले एक पहले आपसे गुजारिश कर लूँ, आप लोग आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के मजा भी आ रहा है पर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए भाग जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। एक के बाद एक मैं क्लास आप लोगों के लिए लाते जा रहा हूँ, बट आप लोग क्या हो कि वीडियो देख रहे हो पूरा फायदा उठा रहे हो पर चले जा रहे, ये गलत बात है यार। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बटन दबाओ ना नीचे, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और कमेंट बहुत जरूरी है, 9 है ना ये, कमेंट बॉक्स में जाके लिखो क्लास 10। जब तक नहीं लिखोगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो क्लास 10 कमेंट बॉक्स में लिखो। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये बस चार काम आप लोग करते रहो, मैं वीडियो देता रहूंगा। चलो टाइम लॉस नहीं करते हैं, सबसे पहले पिछला हमारा यहाँ पे 8 क्लास हो चुका है, तो 1 से लेके 7 क्लास तक का यहाँ पे पूरा लिस्ट है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बताया था, सीसीटीवी कैमरा के बारे में कंपोनेंट्स टोटल बताया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैमरा, कितने तरह के कैमरा थर्ड क्लास में कवर, डीवीआर एनवीआर 4 क्लास, सीसीटीवी एसएमपीएस 5th क्लास, हार्ड डिस्क और एसएसडी 6th क्लास में, माउस मॉनिटर टीवी ये हमने कवर किया 7 क्लास में, 8 क्लास में हमने कवर किया नेटवर्क, डीवीआर रैक को और डीवीआर बॉक्स को, कैमरा बॉक्स को, ये 8 में कवर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं 9 में क्या कवर होगा। इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ 4G राउटर को, 4G राउटर या कह सकते हैं आप 5G राउटर, क्योंकि अब 5G भी आने लगा, तो 4G 5G राउटर क्या है उसको कवर करेंगे। वाईफाई रिसीवर क्या होता है, रिसीवर को बहुत को एडाप्टर बोलते हैं, है ना, तो वाईफाई रिसीवर क्या होता है। दूसरा राउटर, राउटर क्या होता है भाई, मॉडम राउटर ये सब जो होता है ना, तो ये सब बेसिक हम लोग जानेंगे, इन दोनों को डिटेल में जानेंगे। राउटर का थोड़ा सा वर्क होता है सीसीटीवी में, तो उसको बेसिक बताऊंगा भी, ठीक है। चलो क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले तो यही जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज 4G राउटर, 4G या 5G राउटर, 4G हो या 5G हो, सीसीटीवी में रोल क्या है, ये 4G 5G क्या है राउटर, सिंपल एकदम आप जानो। एक ये राउटर है देखो, है ना, ये एक राउटर है, ये करता क्या है भाई, है क्या, ये एक डिवाइस है जिसके अंदर सिम लगाया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए, यानी कि इसमें अगर आप सिम लगा दोगे और इसे पावर कनेक्ट कर दोगे तो ये वाईफाई देगा, वाईफाई के थ्रू नेट देगा, और लाइन केबल का भी पोर्ट होता है इसके अंदर जिसमें RJ45 वाला वायर हमारा लगता है, तो RJ45 का भी कनेक्टर इसमें रहता है, आप लगा के लाइन के थ्रू और वाईफाई के थ्रू क्या लोगे, इंटरनेट। तो इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट अवेलेबल करने के लिए किसी लोकेशन पे 4G राउटर या 5G राउटर को यूज में लिया जाता है। तो अब बात आ गया भाई, इंटरनेट ले रहे हैं, अब इंटरनेट का काम क्या है, तो भाई सीसीटीवी के अंदर नेट का काम क्या है, सीसीटीवी के अंदर नेट का काम है ऑनलाइन करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए, किसको, डीवीआर या एनवीआर, डीवीआर हो चाहे एनवीआर हो, इन दोनों में से कोई भी हो, इसको ऑनलाइन करके मोबाइल पे व्यू करने के लिए, कि आप कहीं भी बैठे हो आराम से अपने मोबाइल से व्यू करके अपने सेटअप को देख पा रहे हो, उसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है, और वो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस राउटर को यूज में लेते हैं, जो कि ऑनलाइन करता है किसको, डीवीआर और एनवीआर को। तो आप बोलोगे सर फिर यही राउटर लगा के ऑनलाइन होगा क्या, बिल्कुल नहीं, सिंपल सी बात है, डीवीआर हो या एनवीआर हो, ऑनलाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन, ये आप समझो इंटरनेट चाहिए। अब जहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल मौजूद है आप वहाँ फाइबर ऑप्टिकल का प्लान ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें स्पीड अच्छा मिलेगा और अनलिमिटेड डाटा आता है। जहाँ फाइबर का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, वहाँ क्या करोगे, तो देखिए उस जगह पे हम लोग क्या है, इस राउटर के यूज में लेते हैं, चाहे 4G हो या 5G राउटर हो, समझ में आ रहा है आपको। सिंपली काम क्या है, इसके अंदर एक सिम लगता है, और जैसे ही आप सिम लगाओगे उसमें डाटा का रिचार्ज करोगे तो ये वाईफाई भी देगा, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट देगा, और लैन केबल के थ्रू भी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये राउटर का बेसिक वर्क हो गया। चलिए आगे अब देखते हैं। ओके, तो अब हमके ये तो समझ में आ गया कि भाई इसमें सिम लगाओ नेट चलाओ, सिंपल सी बात यही है कि सिम लगाओ और नेट चलाओ। अब जानेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में, डिटेल में क्या जानेंगे, देखो ये क्या है हमारा राउटर है, ठीक है, इसके साथ देखिए कि ये लैन केबल दिया, लैन केबल क्यों दिया, क्योंकि RJ45 का जैक है, इससे निकाल के डीवीआर या एनवीआर में डालने के लिए, एक ये अडैप्टर मिला इसको पावर देने, इसके साथ बहुत ब्रांड जो है वो एडाप्टर देगा, ये एडाप्टर इसके साथ में आपको मिलेगा, या फिर बहुत ब्रांड ये चीज आपको नहीं देगा,
वो सिंपल क्या दे देगा, यूएसबी दे देगा, यूएसबी दे देगा आपको ए टू माइक्रो, तो आपको यूएसबी दे देगा ए टू माइक्रो या फिर ए टू डीसी, ए टू डीसी या ए टू माइक्रो, सिंपल सा यूएसबी केबल आता है डाटा केबल, ये अडाप्टर नहीं रहेगा उसके साथ, सिर्फ केबल केबल दे देगा कि आप यहाँ केबल लगाओ। अब उसको लाइन कैसे दोगे, तो वो एनवीआर या डीवीआर में डायरेक्ट यूएसबी में लग जाता है, तो वहां से वो लाइन ले लेता है। तो कुछ मॉडल ऐसे भी आते हैं आगे, वो भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एक राउटर मिलेगा, एक पैच केबल मिलेगा बॉक्स के अंदर, एक अडाप्टर या डाटा केबल मिलेगा, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे एक पावर का सॉकेट है, तो ये क्या करेगा, इसमें भाई अडाप्टर लगेगा, क्या लगेगा, अडाप्टर, क्योंकि पावर का सॉकेट है तो इसमें पावर देना है। यहाँ पे देखिए एक आरजे 45 का पोर्ट है, ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या है, आरजे 45 का पोर्ट है, तो ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा लैन केबल के थ्रू, और जनरली एक ही पोर्ट होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इन दोनों के अलावा और क्या होगा, यहाँ पे एक स्टिकर होगा, स्टिकर पे क्या होगा, स्टिकर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होगा आईपी, जिस आईपी से आप इसको लॉगिन करके इसके वाईफाई के नेम को चेंज करोगे, इसका पासवर्ड को चेंज करोगे, बाकी और भी सेटअप को चेंज करोगे, तो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया होगा। दूसरा क्या होगा, वाईफाई का नेम दिया होगा, वाईफाई का नेम, किस नाम से वाईफाई है वो नाम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तीसरा क्या दिया होगा, पासवर्ड, जैसे ही ऑन करोगे एक पासवर्ड आपको दिया होगा इसके अंदर, जिसके थ्रू आप मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप उसको कनेक्ट करोगे। तो ये तीन बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, स्टिकर पे तीन डिटेल मिल जाएगा, ये पावर, ये लाइन। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा एक छोटा सा ऐसे करके कट होगा जहां पे आप सिम को लगाओगे, क्या लगाओगे, सिम को, मिनी सिम लगेगा, जो मोबाइल में लगाते हैं ना, बहुत मॉडल में बड़ा वाला भी लगेगा, तो पूरा आपको बड़ा सिम लगाना पड़ेगा, बट अब जितने आ रहे हैं लेटेस्ट वाले उन सभी में जो है ये मिनी सिम ही लगता है, ठीक है। सिम लगाने के लिए एक स्लॉट हमें मिल जाएगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, एक छोटा सा बटन होगा, वो किस चीज का बटन होगा, वो होगा रीसेट का बटन, रीसेट करने के लिए, ठीक है, तो एक रीसेट बटन होगा। लेकिन ये रीसेट जो है ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड में आपको मिले, तो ये एक रीसेट का बटन आपको दिया जाएगा एक सिम लगाने के लिए, ये तो रहेगा ही, सिम लगाने तो देगा नहीं, तो भी फायदा क्या हुआ। तो सिम लगाने के लिए आरजे का सॉकेट और एक डीसी का सॉकेट और स्टिकर रहेगा जिसके पीछे कुछ डिटेल होंगे। ये एल्टीना हो गया, इसको एल्टीना कहते हैं, तो जनरली बिना एल्टीने का भी आएगा, या फिर टू एल्टीना आएगा, थ्री एल्टीना आएगा, फोर एल्टीना आएगा, आपको आगे दिखाऊंगा एल्टीना भाई क्या है, एल्टीना आता रहेगा। अब बोलोगे सर ये एल्टीना का क्या वर्क होता है, वैसे तो ये सब में हमको लगता है फॉल्सी दे देता है, क्योंकि कोई फायदा होता नहीं है, रेंज उतना रहता नहीं है। ब्रांड में जाओगे तो थोड़ा सा फायदा रहता है। एल्टीना का सिंपल सा काम क्या, रेंज को बढ़ा देना। अगर सिंगल एल्टीना है वो 10 मीटर दे रहा है, तो दो एल्टीना 20 देगा, चार एल्टीना 40 मीटर देगा, तो सिंपल क्या करेगा, रेंज को बढ़ाता चला जाएगा एल्टीना। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। तो वो तो समझ में आ गया राउटर, अब देखते हैं राउटर कितने तरह के आते हैं। राउटर को डिटेल में जान लिए, राउटर क्या करता है वो जान लिए, अब देखेंगे भाई राउटर का टाइप, भाई कितने तरह के राउटर आते हैं, ठीक है, कितने टाइप के राउटर आते हैं वो जानेंगे। यहाँ पे अभी आपको तीन राउटर दिख रहा है अलग अलग ब्रांड का, ठीक है। एक राउटर आएगा कुछ इस तरह का, ये इतना छोटा सा रहेगा, बैटरी वगैरह नहीं होगी इसमें, इतना छोटा सा रहेगा, इसमें किसी भी तरह का एल्टीना आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए, सिंपल यहाँ पे एक देखिए क्या दिया हुआ है, लैन पोर्ट दिया हुआ है आरजे 45 कनेक्ट करने के लिए, तो सीधा निकाल के डीवीआर या एनवीआर में लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए एक सिम का स्लॉट है, तो इसमें आप सीधा सिम डाल दीजिए। ये दो छोटे छोटे लाइट है जो एक पावर दिखाएगा, एक लाइन की कनेक्टिविटी यानी सिम डालने के बाद इंटरनेट के लिए दिखाएगा। और यहाँ देखिए माइक्रो आपको सॉकेट दिया हुआ है, तो मैंने बोला था ना ए टू माइक्रो डाटा केबल दे देगा ये लोग, तो ये वही करेंगे, ये क्या करेंगे ए टू माइक्रो डाटा केबल दे देंगे। वो डाटा केबल आपको डायरेक्ट लगा देना डीवी या एनवीआर के अंदर, ठीक है, दोनों में से जो भी आप यूज कर रहे हो वहां आप लगा देंगे, इसको कंटिन्यू पावर मिलता रहेगा और ये लैन केबल के थ्रू उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। चलिए अब इसी का एक मॉडल इस तरह का आएगा, सेम चीज है, ब्रांड बदल गया, डिजाइन बदल गया, सिंपल सी बात है, सेम चीज, जो ये काम कर रहा है सेम वो करेगा, दो लाइट है पावर एंड इंटरनेट का, समझ गया। इसी ब्रांड का एक और है, ये लंबा में आया भाई, इसमें दो हैंग करने के लिए दो हॉल दिए हुए हैं कि आप स्क्रू डाल के इसको टांग भी सकते हो। इन सब के बैक साइड में हुक मिलेगा, यहाँ पे देखो इनके साइड में स्ट्रिप लगाने का जगह दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे, इन सभी में एल्टीना नहीं है, इन सभी में आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा, इसके साथ क्या मिलेगा, डाटा केबल, ध्यान रखिएगा, और पैच केबल रहेगा।
बेसिकली हमें जो डीवीआर को ऑनलाइन करना पड़ता है उसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है लाइन केबल के थ्रू इंटरनेट का। एक ब्रांड है आपका सीपी प्लस जो वाईफाई सपोर्ट करता है, वाईफाई डोंगल लगा के भी आप ले सकते हो। अदर जितना ब्रांड है उसमें क्या होता है हमको लाइन केबल के थ्रू ही इंटरनेट देना पड़ेगा, तो उस जगह पे इसका रोल आ जाता है। ठीक है, वहां पे इसमें क्या एक लाइन पोर्ट दिया जाता है डीवीआर या एनवीआर में लगा लेंगे। ठीक है, और जहां वाईफाई के थ्रू भी देना वहां भी आप ले सकते हैं, वाईफाई भी ये देता ही अपना एक रेंज होता है इसका फिक्स। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो। अब यहां पे देखेंगे और भी तरह के राउटर, जैसे मैंने वहां आपको बता दिया। अब एक देखो ये आएगा, ये क्या 3 एल्टीना वाला राउटर है, इसमें आप यहाँ देखो रीसेट का बटन दिया हुआ। तो मैंने बोला ना सब में नहीं मिलेगा आपको, किसी किसी में मिलेगा, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आप देखो एक रीसेट का बटन दिया हुआ है, साथ ही साथ आप यहाँ देखोगे सिम स्लॉट दिया हुआ है, यानी सिम आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे बटन दे दिया है रीसेट का, और पीछे इसका RJ45 कनेक्टर का सॉकेट और DC का सॉकेट है। तो ये 3 एल्टीना सेटअप हो गया। एक ये मॉडल है, देखिए ये डिजाइन में है, तो एक ऐसा डिजाइन है यहाँ पे लाइट दिया हुआ है इसका, तीन एल्टीना इसमें भी दिया हुआ है, ये बर्फी के शेप में बना दिया। भाई ब्रांड अपना अपना डिजाइन अपने हिसाब से बनाती रहती है, अपने हिसाब से देती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो एक राउटर है, ये डबल एल्टीना है, तो ये 2 के साथ है, ये 3 के साथ है, ये भी 3 के साथ है। अब देखो यहाँ पे रीसेट का बटन दिया हुआ है, पावर का बटन दिया, LTE यानी इंटरनेट के लिए लाइट दिया हुआ है। तो ये दोस्तों हो गए कुछ हमारे 4G 5G राउटर, जो कि अलग अलग ब्रांड में अलग अलग डिजाइन में मिलेगा आपको, अलग अलग साइज में मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप बेसिकली ये समझ जाइए कि 4G राउटर या 5G राउटर का काम है सिम डाल के इंटरनेट यूज में लेने का, वाईफाई के थ्रू भी नेट प्रोवाइड करता है और लैन केबल के थ्रू भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें एडाप्टर वाले आएंगे, कुछ बिना एडाप्टर वाले आएंगे, एल्टीना वाला आएगा, कुछ बिना एल्टीना वाला आएगा, कोई छोटा आएगा, कोई बड़ा आएगा, डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट आएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वो सब छोटे छोटे थे, अब कुछ बड़ा एरिया जो कहते हैं कि भाई थोड़ा हम अगर यूज में ले ही रहे तो एरिया थोड़ा बड़ा है, हमको थोड़ा बड़ा दे दीजिए, कम से कम मेरा एरिया कवर हो जाए, कहीं से भी हम इंटरनेट चला सके। तो वहां पे देखिए इस तरह का बड़ा वाला राउटर आता है, ये 3 एल्टीना का सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये 4 एल्टीना का सेटअप है, वही राउटर, ये सेम चीज है, पर इसमें 4 एल्टीना दिया हुआ है। तो अब क्या इसकी रेंज ज्यादा हो गई, रेंज ज्यादा हो गई, तो जिनका लार्ज एरिया है वहां पे हम DVR के पास इसको लगा दिए, तो DVR को तो इंटरनेट हमारा दे दिया, और इसके वाईफाई से बाकी के लोग भी कनेक्ट होकर अपना नेट चला पाएंगे। ठीक है, तो ये वहां पे यूज आएगा, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो दोस्तों ये 3 एल्टीना, ये 4 एल्टीना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और आएगा, तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये जो राउटर होगा इसको आप लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने DVR या NVR को और इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया था इतना तक? अब देखो आगे बताता हूँ, पहले तो देख लो ये भी एक नॉर्मल ही 4G राउटर है, नॉर्मल, इसका डिजाइन अलग है, ये गोल शेप में इस तरह से, हाँ 3 इसका ये है, तो ये अपना नॉर्मल हो गया। लेकिन अब D-Link ब्रांड है एक, देखो उसमें इस तरह का आएगा, ये देखो एक ये आएगा 4G राउटर। तो कुछ राउटर ऐसे भी आपको आएंगे जिसके अंदर आपको एक लाइन पोर्ट दिया जाएगा इंटरनेट के लिए और एक पोर्ट दिया जाएगा PNT के लिए, यानी इसके अंदर आपको RJ45 और साथ ही साथ RJ11 इन दोनों का पोर्ट मिल जाएगा। RJ45 किस लिए यूज में आएगा? नेट चलाने के लिए। और RJ11 किस लिए आएगा? PNT के लिए, यानी टेलीफोन के लिए, टेलीफोन लाइन के लिए। अब बोलोगे सर ये क्या, नहीं समझ में आया, बता रहा हूं। इसका काम क्या था? इंटरनेट देना। इसके अंदर हम लोग क्या लगाए थे? सिम। क्या लगाए थे? एक सिम कार्ड इसके अंदर डाले। यहाँ पे क्या होगा, एक PNT को हम लोग, ठीक है, एक PNT को यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो अगर एक PNT हमने इसके साथ अटैच कर दिया तो वो जो नंबर है वो इस PNT पे आ जाएगा। तो अब अगर उस नंबर पे किसी का कॉल आता है तो हम यहाँ से बात भी कर पाएंगे, जो कि इन सभी राउटर के साथ नहीं हो पाता। अब आप समझ रहे हो, तो ये एक और अच्छा चीज है। बहुत जगहों पे क्या होगा कि पार्टी बोलेगा कि भाई हम सिम तो दे देंगे, लेकिन उस सिम पे यार हमारा फोन भी बहुत आता है, वो नंबर बटा हुआ है और हमको यार कॉल भी करना है, सिर्फ डाटा के लिए हम थोड़ी सिम रिचार्ज करेंगे, एक काम कीजिए कुछ ऐसा जुगाड़ बताएं जिससे कॉलिंग भी हो जाए मेरा। ठीक है, तो वहां पे आप इस तरह के राउटर दे सकते हैं जिसके अंदर RJ45 प्लस RJ11 दोनों मौजूद हो, ताकि वो इंटरनेट भी यूज कर पाए साथ ही साथ आपका टेलीफोन भी चला पाए। तो ये भी सेम ही चीज है, डुअल एल्टीना है इसके अंदर। देखिए एक यहाँ पे लाइन दिया हुआ है RJ का, एक यहाँ पे पावर के लिए है, एक यहाँ पे दिया PNT के लिए, एक दिया यहाँ पे इंटरनेट के लिए। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ आप टावर भी दिखा रहा है, इसमें 4 टावर इस तरह के दिख रहे हैं,
तो ये टावर भी दिखा रहा है, यानी आपका कितना नेटवर्क ले रहा है वो भी दिखा देगा, और ये चारों लाइट डिटेक्ट कर देगा कि भाई नेट चल रहा है कि नहीं, लाइन केबल कनेक्ट है कि नहीं, पीएनटी कनेक्ट है कि नहीं, पावर आ रहा है कि नहीं, चार आपको लाइट मिल जाएगा। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, अनबॉक्सिंग और सेटअप वगैरह सबका, आप उसको देख सकते हैं। देखिए मेरे चैनल पे ना लगभग आपको मैं जो क्लास करवा रहा हूँ ना उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स वगैरह आपको बता रहा हूँ ना, लगभग लगभग सबका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग चैनल पे जाके ढूंढ सकते हैं या सर्च कर लीजिएगा, एंड में टैग स्पायरो सिर्फ लिख दीजिएगा, आ जाएगा। जैसे आपको ये राउटर के बारे में जानना है तो आप लिख दीजिएगा 4G राउटर डीलिंक टैग स्पायरो, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, समझ रहे, तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखो रीसेट का, पावर का, और दो यहाँ पे RJ11 और RJ11 का सॉकेट, और यहाँ पे छोटा सा कट है जिसके अंदर आप सिम कार्ड लगाओगे, वही हो गया। ये फ्रंट से दिख रहा है, तो ये हो गया आपका एक और तरह का राउटर जिसके अंदर आप PNT को भी अटैच कर पाओगे। मजा आया ना, आए और आएगा भी। देखिए अब कुछ ऐसे आते हैं डोंगल जो आते थे पहले, जो अभी जियो लॉन्च किया, एयरटेल ने लॉन्च किया था, छोटा छोटा जो बैटरी के साथ आते थे इस तरह का, ये भी वही चीज है जो 4G 5G राउटर है ना, ये भी सेम चीज है। ये क्या कर रहा है, इसको आपको चार्ज करना पड़ता था और ये बैटरी से पावर ऑपरेट होता था, बट इसमें और उसमें एक फर्क है, राउटर में और इस मॉडल में एक ही फर्क है, ये सिर्फ वाईफाई देगा, और वो वाईफाई प्लस लाइन देगा, दोनों देगा, केबल से भी नेट देगा, वाईफाई से भी नेट देगा। बट ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ वाईफाई से नेट देगा, चाहे ये जो है जियो का, ये सिर्फ वाईफाई से नेट देगा। तो जब ये आया था तो उस समय बहुत लोग परेशान हुए कि भाई मेरे पास ये तो है, हम इससे तो नेट चला रहे हैं, अब हमको इसी से कैमरा भी ऑनलाइन करना है, कुछ आप ऐसा बताओ जो इसी से हम ऑनलाइन कर ले, अलग से हम राउटर ना ले। भैया मेरे देखिए राउटर तो उनको लेना ही पड़ेगा, लेकिन फर्क ये था कि 4G राउटर उनको लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर जो कॉस्ट लगता उस कॉस्ट को देने की उससे जरूरत नहीं थी। इससे लगभग 50% लेस कॉस्ट पे, कम रेट पे एक और राउटर आता है जिसके अंदर रिपीटर सेटअप होता है, उनको वो लेना था। आगे अभी क्लास में बताऊंगा, वो भी राउटर में चलेंगे जब तब आपको बता दूंगा। तो आप पहले ये समझ लो कि ये भी एक उस तरह का राउटर ही है, लेकिन ये सिर्फ वाईफाई देगा, क्या देगा, वाईफाई, लाइन नहीं देगा। और इससे अगर किसी DVR को करना है तो अगर उस DVR में वाईफाई एक्सेप्टेबल है तो डायरेक्ट इसके वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे, और अगर नहीं है तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे है हमारा क्या है DVR या फिर NVR, तो DVR या NVR है और यहाँ पे हमारा ये राउटर है, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे एक राउटर देना होगा। ये राउटर क्या करेगा, इससे वाईफाई के थ्रू सिग्नल लेगा और यहाँ लाइन के थ्रू इसको डाल देगा, तो वाईफाई को लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लेंगे, अगर मेरे DVR में वाईफाई सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ से वायरलेस हम लेंगे नेटवर्क को और यहाँ से लाइन के थ्रू कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर अब आगे देख लेते हैं, आइए। और यहाँ पे अच्छा ये फिर आ गया, देखिए तो भाई ये आता रहेगा, क्योंकि ये इसलिए आता रहेगा क्योंकि आप लोग सपोर्ट करो, जाओ देखो, मजा लो थोड़ा अभी यार, हर एक ही क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हर समय पढ़ाई नहीं होता, थोड़ा एंजॉय भी करो लाइफ में। देखो सौरभ सिंह नाम से एक चैनल है, इस पर क्या आएगा, मल्टीपल वीडियो आते हैं मेरे गैजेट्स के बारे में, ये पैनल, ये कैमरा, ये माइक, ये स्टूडियो सेटअप, सब कुछ, कंप्यूटर, एवरीथिंग यहाँ पे चलता रहता, कोई ना कोई गैजेट्स का वीडियो आता रहता है, कुछ टॉपिक डिस्कस करता हूँ, मतलब ये ना फ्री चैनल मैंने बना रखा है, इस पर कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो मजेदार लेकिन बहुत काम का और बहुत यूजफुल आएगा, तो इसको एक बार जरूर आप देखिएगा, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ स्पायरो इन्फोटेक हमारा एक ये दुकान का चैनल है, यहाँ पे मेरे दुकान के अंदर आपको CCTV कंप्यूटर बायोमेट्रिक मतलब IT से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, मैं खुद सेल आउट करता हूँ। स्पायरो इन्फोटेक के नाम से हमारा शॉप है, धनबाद में ही हमारा शॉप स्टेबल है, आप इस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे नंबर वगैरह सब आपको मिल जाएगा। आप कुछ खरीदना अगर चाहते हैं तो वो इस जगह से जाके यहाँ पे आप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और वहाँ से आप परचेज बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ से आप कुछ खरीद भी सकते हैं, प्लस क्या अभी जैसे राउटर पढ़ा रहा हूँ तो राउटर के 10-12 वीडियो उस पर डले हुए हैं, हर तरह के राउटर का वीडियो आपको देखने मिल जाएगा। तो एक फायदा यहाँ पे आपको ये हो जाएगा कि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको प्रोडक्ट जो है हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड होता है और जितने भी नए नए प्रोडक्ट आते हैं उसके वीडियो इस पे डलते हैं, तो आप अपडेट रहोगे कि क्या मार्केट में आ रहा है, तो बहुत जरूरी है, आप इसको तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और टैग स्पायरो, खैर इनका तो हम क्या ही बात बोले, आप इसी चैनल पे ये वीडियो को देख रहे हो लेकिन आप लोग भाग जाते हो यार, देख के बहुत गलत बात है, करोगे ना सब्सक्राइब, कब करोगे, क्लास खत्म होगा जब, अभी करो, करो जल्दी करो, जल्दी करो, अभी करो, कर लिया, आगे देखो।
यहाँ देखो डिजिटल यादें। अब डिजिटल यादें क्या है ना, मेरा यार एक ब्लॉग चैनल है, मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग भी कर लेता हूँ, अच्छा खासा मतलब कर लेता हूँ ठीक ठाक थोड़ा बहुत। आप लोग देख के बताओ कैसा करता हूँ, देखोगे जब तो बताओगे ना। तो इसमें देखो, और ये पैनल का ब्लॉग अभी इस पे आया है, बहुत जबरदस्त ब्लॉग है, एक बार देख लेना। और सोशल स्कैनेट, ये हमारा अप्लीकेशंस वगैरह, ऐप वगैरह, वेबसाइट वगैरह के बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि अभी इस पे यूट्यूब से रिलेटेड भी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ कि यूट्यूब पे आप चैनल वगैरह बना के, वीडियोज वगैरह बना के पैसा कैसे अर्न करोगे, वो यहाँ पे आएगा। एकदम कंप्लीट कोर्स बना के देने वाला हूँ, और हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ये फ्री है ना, यहाँ भी फ्री होगा। पैसे नहीं लेना भाई, पैसा कहाँ मांग रहा हूँ आप लोगों से यार, बस इतना कह रहा हूँ कि जाके सब्सक्राइब कर लो, वो भी नहीं कर रहे हो। सब फ्री में दे रहा हूँ फिर भी मत करो, नहीं डालूंगा वीडियो फिर, अब बोलना मत मुझे फिर। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं वाईफाई रिसीवर। तो वाईफाई रिसीवर क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए, इसको डोंगल, एडाप्टर, रिसीवर तीनों नाम से बुलाते हैं, हर एरिया में अलग अलग अपना नाम, कोई इसे डोंगल कहता है, कोई एडाप्टर कहता है, कोई रिसीवर कहता है, ठीक है। मैं वाईफाई रिसीवर ही कहता हूँ, क्योंकि इसका काम ये होता है सिस्टम में लग के वाईफाई को रिसीव करना, एक्सेप्ट कर लेना, तो मैं इसको रिसीवर ही कहता हूँ, वाईफाई रिसीवर। बाकी आपके एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम होगा। इसका काम क्या है, बिल्कुल सिंपल काम है। क्या काम है देखो, अगर DVR है, ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर भी यूज में लिया जाता है, तो कंप्यूटर अगर आपने लगाया है तो उसमें भी ये यूज में लोगे। मान लो कंप्यूटर के अंदर वाईफाई नहीं है इनबिल्ड मदरबोर्ड के अंदर, तो फिर आप इस डोंगल को कंप्यूटर में लगा दोगे तो कंप्यूटर को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे। अब सेम काम होगा हमारा DVR हो चाहे NVR हो, इन दोनों में से कोई भी हो, अगर वो वाईफाई सपोर्ट करता है, अगर DVR हमारा वाईफाई सपोर्ट करता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें इनबिल्ड वाईफाई नहीं होता रिसीवर, आपको अलग से ही देना पड़ेगा। वो सपोर्ट जरूर करता है पर उसके अंदर नहीं होता वाईफाई रिसीवर, तो अलग से एक वाईफाई को रिसीव करने के लिए आपको छोटा सा पेनड्राइव जैसा, इतना छोटा होता, वो देना पड़ता है, उसी को कहते हैं वाईफाई डोंगल, एडाप्टर या फिर रिसीवर। समझ गए, एकदम सिंपल सा काम। कहाँ लगेगा, DVR के पीछे USB पोर्ट में लग जाएगा, NVR है, NVR के पीछे USB पोर्ट में लग जाएगा, या फिर कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं, डेस्कटॉप में यूज करते हैं, तो वहां डेस्कटॉप में लग जाएगा। ये क्या करेगा, सिंपल काम करेगा, वाईफाई को लेगा, रिसीव करके डिवाइस को दे देगा, ठीक है। तो बिना तार के वाईफाई के थ्रू कनेक्शन को बिल्ड करने में ये काम में आएगा। अब ये अलग अलग ब्रांड का आएगा, तो ब्रांड जब बदलता है तो इसकी साइज भी बदलती है, कोई इतना छोटा सा आएगा, कोई इतना बड़ा आएगा, कोई इतना बड़ा बनाता है, तो ब्रांड के हिसाब से इसकी साइज बदलती रहती है। दूसरा, इसकी स्पीड भी है, ठीक है, 150 Mbps, 300 Mbps, इस तरह से इसकी स्पीड भी है। तो आप जैसा स्पीड वाला लोगे वैसा आपका ये वर्क में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब वो दिखा दिया मैंने, अब देखो यहाँ पे एक ये ब्रांड है, इसका थोड़ा सा बड़ा पीस है, यहाँ पे इन्होंने एक लाइट दे दिया, ठीक है। सेम यहाँ भी देखो, इसने यहाँ भी क्या हुआ, एक लाइट दे दिया, इसमें ढक्कन के साथ ये आएगा। भाई क्या कोई यूज नहीं है तो आप कवर चढ़ा के रखो, ढक्कन खोलने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो एक इस तरह का आएगा, एक यहाँ देखो ये भी बड़ा वाला, इन तीनों में आपने नोट किया कि लाइट दिया हुआ है, तीनों में इसने जलाया नहीं था, ये बंद करके रखा, पावर बचा रहा है, बिजली का बिल बहुत आता है, आपको नहीं पता है, इतना इतना लाइट चला के वीडियो बना रहा हूँ, मतलब क्या ही बोलो। खैर, तो ये बंद करके रखा है। तो एक चीज आपने नोटिस किया कि तीनों का साइज थोड़ा बड़ा है और तीनों में लाइट दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये तीनों ब्रांडेड है, और इससे पहले जो मैं दिखाया था ये लोकल है, इसमें कोई लाइट टूट नहीं मिलेगा, एकदम देखिए USB खत्म हुआ, हल्का सा प्लास्टिक यहाँ पे है, तो इसमें आप देखेंगे कोई ज्यादा मतलब साइज वगैरह नहीं, लाइट वगैरह नहीं, कुछ नहीं भाई, पैसा भी तो नहीं लेता। अब बोलोगे सर कितना, 50 रुपये में आ जाता है भाई, ठीक है, 50-100 रुपये में आपको मिल जाएगा कहीं भी, तो अब उसके लिए वो क्या ही लाइट लगाएगा, मतलब 50-100 रुपये के लिए आप भी हद बात करते हो, और ये सब भाई साहब 250-300 डीलिंग, 550-500, मतलब तो ये सब भाई फुल इज्जत है कि नहीं, इनको चाहिए फुल इज्जत, पैसा ले रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वाईफाई रिसीवर में एक और तरह का आएगा रिसीवर, कैसा आएगा देखिए, इस तरह का, जिसमें ये रिसीवर तो होगा पर यहाँ पे आपको एक घाट देखने मिलेगा गुना, और एक ये एंटीना उसके साथ अलग से दिया जाएगा, और इस एंटीना में यहाँ पे देखिए आप स्क्रू है, ये इसमें जाके ऐसे घूम घूम के टाइट हो जाएगा, तो ये इस तरह का दिखेगा, ठीक है, कैसा दिखेगा, इस तरह का, यहाँ पे देखो ये टाइट हो गया। अब भाई इसमें एल्टीना क्यों लग गया, बताओ जल्दी बताओ, तब से पढ़ा रहा हूँ, क्यों लगा, क्या काम करेगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ना 4G राउटर वाले में कि जितना ज्यादा एल्टीना उतना रेंज बढ़ेगा, तो यहाँ एल्टीना लगाने से मतलब ये हो गया कि वाईफाई अगर दूर है, कम सिग्नल पहुंच रहा है, तो वहां एल्टीना वाला रिसीवर दे देंगे,
ताकि वो दूर जाके पकड़ के लेके आएगा उसको, समझे। अगर वाईफाई पहुंच नहीं रहा है तो आप ये लगा दो, ये भाई साहब उसके पास जाएगा, उसको पकड़ के लेके आएगा कि भाई तू चल, समझे कि नहीं। ठीक है, तो ये अल्टीना वाला क्या काम करता है कि थोड़ा सा रेंज को अगर कम आ रहा है तो नेट फास्ट आपको मिले, इसलिए उसको बढ़ा दे। ठीक है, चलिए अब आगे और देखते हैं। तो अब ये फिर से हमारे भाई साहब आ चुके हैं यहाँ पे मुस्कुराते, और देखिए इनका जो मुस्कान है ना, ये मुस्कान बस इसलिए है ना क्योंकि कह रहे हैं कि ये चैनल पे आप लोग वीडियो को देख के मजा ले रहे हो, बाकी ये चार चैनलों पे जाओ यार, ब्लॉगिंग चैनल पे जाओ, सौरभ सिंह मिक्स वीडियो आते हैं वहां जाओ, दुकान वाला चैनल है, प्रोडक्ट वगैरह खरीदो यहाँ जाके, सोशल स्कैनेट यूट्यूब वगैरह का भी आएगा, इसमें क्लास वगैरह ज्वाइन करो, मजा लो भाई। और क्या करो, वीडियो देख के लाइक जरूर कर दो, पसंद आया तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल, और इतना अगर कर लोगे ना तो ये आपको धन्यवाद कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तब आगे देखते हैं क्लास में और क्या बचा हुआ। अब हमारे पास बचा हुआ है राउटर। देखिए राउटर मॉडम, राउटर प्लस मॉडम, ये सब बहुत वैरायटी आता है, ज्यादा डीप में इसके अंदर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये नेटवर्किंग का एरिया में चला जाता है, ये कंप्यूटर के लिए चला जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है, सीसीटीवी में इसका ज्यादा रोल नहीं है। 4G राउटर जो मैंने दिखाया आपको वही आएगा, इसका सिर्फ एक सिंगल रोल आएगा सीसीटीवी के अंदर, सिर्फ एक सिंगल। क्या आएगा आप देखो, जैसे आप पहले तो ये देख लो ये राउटर है ना, तो सेम इसमें भी ये 4 एंटीने का राउटर है, इसमें आपको मिल जाएगा 2 एंटीना, 1 एंटीना, ठीक है, 3 एंटीना, 4 एंटीना, 8 एंटीना, पूरा एंटीना ही एंटीना मिलेगा। अब इसमें पहले डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहले देखिए पावर का जगह है, ये रीसेट का बटन दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे ना तो अब 4 RJ45 और एक ये 5 टोटल दिया हुआ है, एक वैन के लिए टोटल 4 लाइन के लिए, तो यहाँ पे 5 5 RJ45 का पोर्ट मिल रहा है, जबकि 4G वाले में कितना मिल रहा था, सिर्फ एक। तो ये इसमें आप देखेंगे ना मल्टीपल पोर्ट मिल गया, तो अब इससे 1 DVR नहीं, अब हम 4 DVR 5 DVR चाहे तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को राउटर कहाँ यूज आएगा, सिंपल बता रहा हूँ। ये राउटर मान लीजिए कि राउटर यहाँ लगा हुआ है, ये मेरा DVR लगा हुआ है। ठीक है, तो ये DVR है, ये राउटर है, समझ गया। सिंपल क्या है ना कि यहाँ पे मेरे पास वाईफाई के थ्रू नेट मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, नेट मिल रहा है, यानी इंटरनेट का जो कनेक्शन है वाईफाई के थ्रू मिल रहा है। और ये जो DVR है मेरा, ठीक है, ये जो DVR है ये वाईफाई को सपोर्ट नहीं करता। क्या नहीं करता, वाईफाई को सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट करता है कि इसको लैन केबल को, लैन केबल यानी क्या, RJ45 वाला जो हम लोग जैक लगाते हैं ना, ये उसको सपोर्ट करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा वाईफाई का नेट को राउटर से लेंगे, ये रिपीटर मोड का होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी राउटर है उसमें रिपीटर मोड होना ही चाहिए। रिपीटर मोड क्या करता है, सिंपल बात में आप समझो कि एक वाईफाई मैंने यहाँ लगा रखा है, इसका रेंज इस जगह पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी वाईफाई को हमको इस पॉइंट तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे राउटर लगाएंगे रिपीटर मोड वाला, इसके वाईफाई को ये रिसीव करेगा, फिर ये वाईफाई आगे फेंकेगा। तो अब ये बीच में आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ दिया, ये यहाँ से आगे बढ़ाया, अब एक और अगर यहाँ लगा देंगे तो ये यहाँ से और आगे बढ़ा देगा। तो हम लोग चाहे तो बिना वायर बिछाए बड़े एरिया को भी फुल्ली वाईफाई कर देते हैं बिना केबल के, इसी तरह से कि एक राउटर ग्राउंड में लगा दिया, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक 1 फ्लोर पे, एक 2 फ्लोर पे, 5 फ्लोर है, 5 राउटर मार दिया, पूरा फ्लोर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो गया, कोई लाइन नहीं बिछाना यार, कोई तार नहीं डालना, कोई मेंटेनेंस नहीं। तो राउटर क्या करता है ना कि आपको बताया ना उसमें रिपीटर मोड होना चाहिए जो हम लोग के यूज का, क्या करेगा इंटरनेट यहाँ दे रहा तो उसको बढ़ाएगा। अब एक चीज आप गौर करो, राउटर में भी जस्ट मैंने दिखाया कि यहाँ लैन का पोर्ट है। अब अगर इस राउटर से ये वाले राउटर ने इंटरनेट को एक्सेप्ट किया और आगे भेजा तो इसमें तो नेट चल रहा है, और अगर इस मशीन में नेट चल रहा है तो इस मशीन से तार निकाल के इंटरनेट तो हम ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर ये वाईफाई रिसीव कर चुका है, कॉन्फिगर कर लिया है, तो इसके सारे पोर्ट में इंटरनेट आ जाएगा, और सारे में आ जाएगा तो यहाँ से लैन केबल निकाल के आप DVR में डाल दो, ठीक है, या NVR में, तो यहाँ से लैन केबल के थ्रू DVR या NVR को कनेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग इसका जो यूज लेते हैं ना सीसीटीवी में, वो आप सिंपल समझो, हम लोग यूज लेते हैं वाईफाई को लाइन में कन्वर्ट करने के लिए, वाईफाई को लाइन में यानी कि वायरलेस नेटवर्क को लाइन नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको काम में ले लेते हैं, यानी हम लोग एज अ कन्वर्टर यूज करते हैं। शर्त बस ये है कि इसके अंदर रिपीटर मोड होना चाहिए, रिपीटर जो ऑप्शन है वो होना चाहिए, जनरली आज की डेट में सभी राउटर में आने लगा। तो अब क्या होता है, 4G राउटर जो होता है उससे हाफ रेट में आपको ये राउटर मिल जाएगा छोटा वाला। अब जैसे बहुत जगह ये भी होता है ना, फर्स्ट फ्लोर पे वाईफाई लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे सेटअप देना है, आप देख रहे हो तार खींच रहे हैं भाई तो दिक्कत हो रहा है, वो तार खींचने नहीं दे रहा,
तो वहां पे एक राउटर दे देंगे, उसके वाईफाई से राउटर कनेक्ट कर लिया, हमारा इंटरनेट डीवीआर हो गया, मल्टीपल यूज है, मतलब जहां वायरिंग नहीं करने दिया जा रहा वहां भी कर लो, जहां मजबूरी है वहां भी कर लो, आप पे डिपेंड करता है, पर काम क्या करोगे, सिंपल वाईफाई को लैन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यही है। और इसके बाद और एक मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, अब इसी में इतने खतरनाक खतरनाक राउटर आते हैं ना गेमिंग वाले, गेमिंग का तो क्या कहना भाई साहब, मतलब क्या ही बना, फुल डीजे बना रखा है एकदम आरजीबी मार के इन लोगों को, और इतना खतरनाक खतरनाक। देखो आप ये बोलोगे आप राउटर है, देखो देखो आप, ये कहीं से लग रहा है कि ये राउटर है, हा? ये लग रहा है अभी लॉन्च होगा एकदम, मतलब स्पेसशिप लग रहा है कि अभी उतरने वाला है। यहाँ देखिए आरजीबी की लाइटिंग जल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्टीना है भाई साहब, केकड़ा लग रहा है, केकड़ा 8 एल्टीना मकड़ा स्पाइडर। आप देखो ये, देखो ये तो अलग ही डिजाइन में है। ठीक है, ये मैं बस आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगा दिया कि नॉर्मल तो राउटर आता ही है जिससे आराम से आपका काम चल जाएगा, और एक ये आता है हेवी यूज के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, जो कि गेमिंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए ये आता है, आरजीबी वगैरह रहता है इसमें, लाइटिंग पूरा जलता रहेगा, डिजाइन थोड़ा सा एकदम मतलब है ना यूनिक होता है जैसा आप देख ही रहे हो, तो कुछ ये भी आता है। तो राउटर को हम लोग इतना ही सिर्फ अभी समझेंगे कि हम लोग को जो वर्क है भाई उससे मतलब है, ज्यादा डीप में बता के मुझे कोई फायदा है नहीं उसमें। ठीक है, तो आपने 4G 5G राउटर देखा, वाईफाई रिसीवर देखा, और राउटर को क्या यूज में हम लोग लेते हैं वो भी जाना, रिपीटर वगैरह के लिए। ठीक है, इसी के साथ अब जो हमारा 10वां क्लास आएगा, तो वो क्लास जो होगा उस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हूटर के बारे में। हूटर क्या होता है भाई, सीसीटीवी के अंदर हूटर आता है वो क्या, स्पीकर का रोल क्या है सीसीटीवी कैमरे के अंदर, आरसी जैक का रोल क्या है, क्या होता है भाई आरसी जैक, क्या होता है उसका काम क्या है सीसीटीवी में, और माइक, माइक क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, कितने तरह के माइक आते हैं, किस तरह से यूज में लिया जाता है और उसका क्या काम होता है, तो ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा क्लास जो है वो कंप्लीट हुआ, और जब क्लास कंप्लीट होता है तो आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी दिखती है ना वो अलग ही लेवल की है, मतलब क्या बताऊं, अलग ही मजा आता है आप लोगों को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप लोग भूल जाते हो इसीलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ रहा है, ये कौन सा क्लास था 9, इसके बाद कौन सा आएगा 10, तो कमेंट कौन करेगा भाई, कमेंट में जाके लिखो कि सर क्लास 10 जल्दी लाके दो हमें, और ये क्लास कैसा लगा वो भी तो बताओ कि क्लास लग कैसा रहा है, तो पहले तो क्लास कैसा लगा वो बता दो कमेंट में, दूसरा क्या करो क्लास 10 के लिए कमेंट करो और लाइक करो, लाइक नहीं आ रहा यार इक्वल, मतलब व्यूज जितने उतने लाइक तो करो, तो लाइक चाहिए मुझे, लाइक नहीं आ रहा मैं वीडियो रोक दूंगा, फिर परेशानी हो रही है मुझे, क्योंकि मैं यार आप लोग देख रहे हो भाग जा रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर दिए जो मैंने आपको बताया, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, देखो अगर नहीं करोगे ना तो फिर फायदा नहीं मिलेगा आप लोग को, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, जाके कर लो सब्सक्राइब, अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। और इसी के साथ अब मिलता हूँ अगली क्लास में, क्योंकि ये क्लास हमारा कंप्लीट रहा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।